अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग मालूम मेहदीपटनम में प्रोटेस्ट हो रहा था, जहाँ पे प्रोटेस्ट में पुलिस वाले लेडीज कॉन्स्टेबल एक भी नहीं थी, पूरे जेंट्स पूरे पुलिस वाले थे, एक भी कॉन्स्टेबल नहीं थी। ब्लास्ट में जब पूरा मार के हाथ पूरा दर्द कर दिए, पूरा ये हाथ मोड़ा ले, हड्डी देख सकते हैं आप, ये हड्डी ये दो हाथों डाल के मोड़ा ले, पूरा देख सकते हैं आप लोग। ये पूरा पुलिस का काम नहीं है, एक भी लेडीज कॉन्स्टेबल नहीं थी वहाँ पे। और बच्चों को ऐसा मारे, नली मत दिए बच्चों की, दो बच्चों की नली मत दिए, और बिना वजह लाठी चला रहे, बिना वजह। हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे हक के लिए हम लड़ रहे थे, पर हमारे को मार के भगाया जा रहा, हमारे को डराया जा रहा। दिल्ली पुलिस का खतरनाक, तेलंगाना की पुलिस साबित हो रही है। तेलंगाना की पुलिस बहुत गलत से, बहुत गलत से बच्चों को, मासूम बच्चों को मार रहे। देखो आप लोगों का क्या लगता है मेरे, अभी ये थोड़ा कम हो गया, मेरे को हॉस्पिटल जा रही बोल के। देखो आप लोग समझ ले, कर गए मेरे हाथ के, ये हड्डी देखो, ये हड्डी खुल गई मेरी, ये हाथ खाने में आ मेरे दर्द से डाल के पूरा मोड़ा नहीं। एक भी कॉन्स्टेबल लेडीज नहीं थी वहाँ पे, पूरे जेंट्स करे सो ये काम है, पूरे एक लास्ट मोमेंट में बस आए उन लोग। मुझे तल कहना चाहूँगी मैं, आप लोग अब भी नहीं निकलेंगे हक के लिए तो आगे आगे जुल्म बहुत बढ़ेगा। ये टाइम है हम सबका एक होने का। मैं गुजारिश कर रही हूँ, मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ, मैं आप लोग निकलिए बाहर, प्रोटेस्ट कीजिए, किसी से मत डरिए, अपन लीडर है, अपन सब पे हम ऐसा करके चलेंगे तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ में कामयाब होंगे। नहीं बोले तो ये पुलिस आगे आगे जुलूम खुद करने वाली है, ये दिल्ली पुलिस से ज़्यादा खतरनाक तेलंगाना की पुलिस है। बस इतना ही कहना चाहूँगी।